तो पैदल चलेंगे, भारत भरम भ्रमण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुकरण नहीं, मेरा बच्चे चार हैं, चारों विरोध करते हैं कि आप भक्ति छोड़ दीजिए, और पत्नी भी मेरा विरोध करती है, लड़की भी मेरा विरोध करती है, दामाद भी मेरा विरोध करते हैं। मैं अनुग्रहण नहीं कर सकता जीवन में। नहीं, घर नहीं जाना है। कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं जाना है। घर को त्याग दिए, एकदम त्याग दिए हैं। तो देखिए, इन्होंने घर को त्याग दिया है। घर त्यागा, अन्य त्यागा, और अपनाया तो सिर्फ प्रभु राम का नाम, और पहुंच चुके हैं अयोध्या। यही अब इनका काम। यहाँ पर एक ऐसे बाबा मिले हैं जो अन्न ग्रहण नहीं करते। कब से नहीं कर रहे अन्न ग्रहण? हमको हो गया कार्तिक का पूर्णिमा के एक दिन बाद से, जी एकम सेकंड, कार्तिक एकम समय अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया हूँ। मतलब कुछ खाते नहीं है? नहीं, फल खाता हूँ, दो सेव सुबह एक खीरा, दो सेव शाम एक खीरा, बस बस बस। और किसी भी तरह का अन्न नहीं? नहीं, किसी तरह का अन्न नहीं बाबू। तो देख लीजिए, हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं। लगभग कितना दिन हो गया, अगर दिन में काउंटिंग करेंगे कितना दिन से? जोड़िए ना, कार्तिक एकम से जोड़ लीजिए, आज कौन तिथि है मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं परमेश्वर का भक्त। तो देखिए, ये बाबा जो है भावुक हो रहे हैं, राम के नाम पर भावुक हो रहे हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा बापू धाम मोतिहारी। मोतिहारी, वहाँ से यहाँ आ गए? हाँ, ऐसे ही हमको एक हफ्ता हुआ घर से निकले हुए, सब विरोध कर रहा है मेरा, जो आप अन्न खाइए और भगवान का भक्ति छोड़ दीजिए। मैं नहीं कभी ऐसा कर सकता हूँ जीवन में। मैं निकला हूँ प्रतिज्ञा करके, पूरा भारत भ्रमण करूँगा जैसे हो, पूरा भारत। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शुद्ध केदार प्रसाद है। घर कहाँ गया? मोतिहारी, बापू धाम मोतिहारी, बापू धाम। आधार कार्ड और सब है। बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी इनका घर है, और नाम हो गया केदार प्रसाद। केदार प्रसाद, और इन्होंने अन्न ग्रहण जो है करना वो छोड़ चुका है। दो फल और एक, दो सेब और एक खीरे पर जो है अभी फिलहाल जो है ये रहते हैं, और इनके हाथ में कमंडल है और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? अयोध्या हमको एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। जय सीताराम। ऐसा कोई देश नहीं है अयोध्या मेरे, अयोध्या जैसा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, ये है भक्तों का उमंग, और इनके आंखों में ये आंसू रामलला के नाम पर। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पूरे भक्तिमय में जो है ये कूद और फांद रहे हैं। और ये नगरी है राम की, और ये जगह है अयोध्या, और पूरा अयोध्या जो है राम के भक्तों से जो है वो पटा पड़ा है। कब तक रहना है बिना अन्न के? बिना अन्न के जीवन, जब तक सांस रहेगा तब तक बिना अन्न का रहूंगा। प्रण ले लिया का? प्रण सतपन भगवान से मैं बोला हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो देख लीजिए, ये प्रभु को लेकर जो है इनमें आस्था और विश्वास है, जिसको लेकर के। अच्छा, अन्न ग्रहण नहीं करते तो एनर्जी कम नहीं होता? एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो एनर्जी ज्यादा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किसी भी तरीके की तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। जितना 50 कोस पैदल चलाई, कहीं नहीं बैठे, बोलेंगे आराम करना है। 50 कोस पैदल? 50 कोस। बिहार से आप पैदल आए हैं? नहीं, पैदल ऐसे तो गाड़ी से आए। मेरे पास पैसा नहीं, 2 गो सिक्का है मात्र, 2 सिक्का। तो देखिए, घर से लेकर 2 सिक्का चले हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कोई ना कोई इसी तरीके से दान पुण्य देते रहते हैं। और घर को त्याग, घर जाना है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, घर नहीं जाना, कभी नहीं जीवन में कभी नहीं जाना है। घर को त्याग दिए? एकदम त्याग दिए हैं। तो देखिए, इन्होंने घर को त्याग दिया है। घर त्यागा, अन्य त्यागा, और अपनाया तो सिर्फ प्रभु राम का नाम, और पहुँच चुके हैं अयोध्या। यही अब इनका काम। जे बस यही अयोध्या, यहाँ से पूरा भारत हमको भ्रमण करना है, जैसे सरकार मुझे भ्रमण करावे, नहीं तो पैदल चलेंगे, भारत भ्रम भ्रमण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है उमंग राम के नाम का। राम का नाम लेता जा बंदे, काम तेरा होता जाएगा। और अयोध्या में फिलहाल मौजूद है, और मौजूदगी इसी बात से पता चलती है कि राम के दर पर हनुमान ना हो, ये हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हनुमान साक्षात विराजमान है, चारों तरफ जो है आपको हनुमान ही हनुमान जो है वो देखने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।